हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति खाना खजाना। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी वेजिटेबल सूप। इसे बनाना है बहुत ही आसान। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा यमी सूप होने वाला है। तो चलिए, इसे कैसे बनाना है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। मैक्रोनी वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी तैयारी करके रखी हुई है। यहाँ मैंने थोड़े मैक्रोनी इस तरीके से बॉईल कर लिए हैं। इसे आप 80-85% ही बॉईल करें, बहुत ज्यादा बॉईल ना करें। थोड़े वेजिटेबल्स है, उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े लहसुन ले लिए हैं 1 चम्मच के करीब। इसे बारीक कट कर लें। प्याज और टमाटर को भी बारीक कट कर लें। यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, 50 ग्राम पनीर है ये। आप क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितने लोगों के लिए बना रहे हो उस हिसाब से आप कम या ज्यादा करें। यहाँ मैंने पनीर का यूज किया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे टोफू का भी यूज कर सकते हैं। थोड़े बीन्स, गाजर, मटर, कॉर और लौकी को मैंने इस तरीके से कट कर लिए है क्यूब्स में। आप चाहे तो यहाँ पे गोभी का भी यूज कर सकते हैं, पत्ते गोभी का भी यूज कर सकते हैं, मशरूम का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा लिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अब यहाँ हमें 1 चम्मच ऑयल लेना है, सिर्फ 1 चम्मच ही ऑयल का यूज करें। यहाँ मैंने नाश्ते वाली चम्मच का यूज किया है। दोस्तों, ऑयल जो है वो गर्म हो गई है। अब हमें इसमें सबसे पहले ये लहसुन ऐड करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करें। ये प्याज ऐड कर दें। प्याज का रंग हल्का सा चेंज होने लगा है। अब हमें इसमें ये टमाटर ऐड कर देना है। दोस्तों, किसी भी चीजों को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा कैप्सिकम ऐड कर देना है, मतलब शिमला मिर्च ऐड कर देना है। ये मैं आपको वेजिटेबल्स के साथ बताना भूल गई थी। अब हमें यहाँ पे पनीर को छोड़कर बाकी की सारी सब्जियां ऐड कर देनी है। अब हमें यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने दें। दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे लौकी को थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। लौकी सॉफ्ट होने के बाद अच्छी तरह से पक जाएगी। थोड़ी देर के लिए ढक्कन और लगा लें। दोस्तों, इसे मैंने 2 से 3 मिनट और पका लिया है। लौकी जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा ओवर कुक ना करें। अब हमें इसमें ऐड करना है ये स्वीट कॉर्न। यहाँ मैं फ्रोजन स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश स्वीट कॉर्न ऐड कर रहे हो तो आप सारे वेजिटेबल्स के साथ ही उसे डालें और फ्राई करें। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रोजन मटर, ये पनीर, मैक्रोनी ऐड करें, सभी को अच्छी तरह से मिला लें। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा कलरफुल लग रही है। अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। यहाँ मैं छोटे वाले मग में पूरा 1 मग भर के पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा पानी और ऐड करें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे, जो हर किसी के घर पे बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। वो है ये मैगी मसाला मैजिक। मैं यहाँ पे 2 पैकेट मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे इसका स्वाद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है।
इसे एक बॉईल आने तक पकाएं। गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लें। दोस्तों सूप में जो है उबाल आ गया है, अब इस गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों हमारी मैक्रोनी वेजिटेबल सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये दिखने में ही बहुत ही कलरफुल है, खाने में उतनी ही ज्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग होती है। जो भी वेट लूज करना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग खाना चाहते हैं तो वो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें।